नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन टॉपिक है रोटी। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैं रोटी हूँ, देखने में कितनी सुंदर लगती हूँ। विराम। मुझे पाने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा धनवान क्यों न हो। मेरे बिना वह रह नहीं सकता। रुपयों पैसों की बोरियों से कभी पेट नहीं भरता। मैं ही सबके काम आती हूँ। विराम। निर्धन और धनवान, बच्चे और बूढ़े, पुरुष और स्त्रियां मुझे पाए बिना सुख का सांस नहीं ले सकते। यह मैं जानती हूँ, पर तुमने कभी सोचा है मैंने यह रूप कैसे पाया? पैरा। मेरा जन्म खेतों में हुआ है, धरती माँ की गोद में मेरा पालन पोषण हुआ है। हवा ने मुझे अपने पालने में झुलाया है, पक्षियों ने मेरे लिए लोरियां गाई हैं। विराम। मैं पौधों की बालियों में मस्ती से झूमती रही हूँ। मुझे इस संसार में चलने वाले छल कपट का बिल्कुल भी पता नहीं था। वर्षा का पानी पीती रही और चांदनी का आनंद लेती। विराम। पैरा। यौवन की दहलीज पर पहुंची तो मेरे काटने की तैयारी होने लगी। मेरी खुशी किसी ने नहीं देखी गई। वह किसान जो मुझे देखकर बहुत खुश होता था, अपने मुझे काटने की तैयारी में लग गया। पैरा। मुझे किसान ने अपने ही क्रूर हाथों से काट डाला। मैं अपने परिवार से अलग कर दी गई। मेरा तो दिल ही बैठ गया। विराम। अभी मेरा दुख कम भी नहीं हुआ था कि मेरे ऊपर अत्याचारों का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे इकट्ठा कर दिया गया। विराम। मुझ पर बैलों को चलाया फिराया गया। मैं उनके पैरों के नीचे दब गई। मैं खूब रोई चिल्लाई, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे साथ अब सहानुभूति दिखाई गई। यह सहानुभूति दिखावटी थी। मुझे साफ सुथरा कर ढेर में जमा कर दिया गया। मेरे दाने ऐसे चमकने लगे जैसे सोने के कण हों। विराम। मुझे लगा कि मेरा जीवन भी महत्वपूर्ण है। मेरे चमके हुए रूप को देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गई। अब मुझे बोरों में भरकर रख दिया गया। विराम। ऐसा लग रहा था मानो मुझे जेल में बंद करके रख दिया हो। दोपहर की तेज धूप से मैं व्याकुल हो गई। अब मेरे नीलाम होने का समय भी आ गया। स्वयं को नीलाम करना कितना कष्टदायक कार्य होता है, यह मुझसे पूछो। व्यापारियों के झुंड ने मुझे घेर लिया। मेरी परख होने लगी। विराम। उस भीड़ में कुछ परखी व्यापारी भी थे। उन्होंने मेरी
सबसे ऊंची नीलामी दी। मैं उस दिन बेताज रानी थी, वहां से मुझे फिर बोरों में भर दिया गया, मुझे तोलकर दुकानों पर भेज दिया गया। पैरा दुकानों पर फिर मुझे प्रदर्शन के लिए खोलकर रख दिया गया। विराम तुम ही तो थे जो मुझे वहां से खरीद कर लाए थे। घर पर जाकर मुझे स्नान कराया गया, विराम फिर सुखाया गया, मुझे साफ सुथरा किया गया और चक्की पर पीसने के लिए भेज दिया गया। विराम मुझे दो पाटों के बीच में डालकर पीसने के लिए छोड़ दिया गया। मेरा आटा बना और उसमें पानी मिला का गोंद दी गई। पैरा उस आटे को बेलकर मुझे रोटी का रूप दिया गया, फिर भी छोड़ा नहीं गया। विराम तपते तवे पर मुझे डाल दिया गया, मेरा सारा शरीर जल गया, पर मैं फूल का कुप्पा हो गई। मेरे इस फूले रूप को देख तुम प्रसन्न हो रहे हो। विराम यह है मेरी कहानी, पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की डिक्टेशन जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। तो आशा करते हैं आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।